दोस्तों आज सुबह जो मैंने वीडियो अपलोड किया ना बेंचमार्किंग का, ये जो दो नए एपीयूज लॉन्च हुए हैं उसका, उस पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें यूज़र्स आप लोग ही कन्फ्यूज्ड हो। किसी ने पूछा कि सर मेरे पास ऑलरेडी एक जीपीयू है तो मुझे 11400F के साथ जाना चाहिए या फिर 5600G के साथ जाना चाहिए। किसी को तो इन दोनों में ही कन्फ्यूज़न है कि ये 6 कोर 12 थ्रेड वाला लूँ या 8 कोर 16 थ्रेड वाला बड़े वाला लूँ, या फिर किसी ने पूछा कि 5600G के साथ जाना सही होगा या 11600K के साथ जाना सही होगा। किसी ने ये पूछा कि सर मेरे को जीपीयू नहीं लगाना सिस्टम में और वीडियो एडिटिंग करनी है तो ये जो 5600G है उसके साथ सही से हो जाएगी। तो देखो मेरे भाई, उससे पहले हम ना एक चीज़ समझ लेते हैं कि एपीयू किसको लगाना चाहिए। तीन ही सिचुएशन ऐसी है जिसमें आपको एपीयू लगाना चाहिए। सबसे पहली सिचुएशन है जहाँ पे ग्राफिक्स परफॉर्मेंस की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जो इंटेल के सीपीयू आते हैं उस पर जो ऑनबोर्ड जीपीयू मिलता है, आईजीपीयू, उसका परफॉर्मेंस काफ़ी कम होता है। कंपेयर करें ना हम जीपीयू से तो, ठीक है, जो ये ऑनबोर्ड जीपीयू मिलता है एपीयू में उसका परफॉर्मेंस बजट वाइज मतलब मिड रेंज में ये आता है। जैसे आईजीपीयू सबसे कम, उसके बाद ये एपीयू का जीपीयू और उसके बाद डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड, ठीक है। तो मिड रेंज बजट कैटेगरी में एपीयू के ग्राफिक्स डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस होता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे इतने ज़्यादा ग्राफिक्स परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पे एपीयू बेस्ट है, ठीक है, सबसे पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन कि अभी जैसे मार्केट में जीपीयू है ही नहीं, अभी की सिचुएशन ले लो, जैसे मार्केट में जीपीयू है ही नहीं, आपको लगाना है लेकिन जीपीयू अवेलेबल ही नहीं है, तो इस सिचुएशन में भी एपीयू बेस्ट रहता है। और तीसरी सिचुएशन कि मार्केट में तो जीपीयू है लेकिन आपके पास जीपीयू का प्रॉपर बजट अवेलेबल नहीं है, बाद में लगाने वाले हो, तो आप एपीयू ले सकते हो, ठीक है। ये तीन सिचुएशन है। अब सबसे पहली सिचुएशन की बात करते हैं कि जैसे ग्राफिक्स परफॉर्मेंस की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अगर आप इमेज एडिटिंग के लिए सिस्टम बना रहे हो या फुल HD वीडियो एडिटिंग सिस्टम भी बना रहे हो, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये जो छोटा वाला 6 कोर 12 थ्रेड वाला APU है ना, वो बेस्ट है। उसकी CPU के परफॉर्मेंस की बात करूँ और ऑनबोर्ड GPU की भी बात करूँ, वो फुल HD वीडियो एडिटिंग के लिए मोर देन इनफ है। अब 4K की मैं रेकमेंड नहीं कर सकता क्योंकि GPU का परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम पड़ेगा, उसके लिए आपको डेडिकेटेड GPU यानी कि 1650 या 1650 सुपर या 1660 आपको लगाना पड़ेगा, जैसी डिमांड है वैसी। लेकिन CPU का परफॉर्मेंस है वो, उसमें भी 4K के लिए मैं रेकमेंड करूंगा, उसका CPU का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लेकिन ऑनबोर्ड GPU का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, इसलिए मैं 4K के लिए रेकमेंड नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपको फुल HD वीडियो एडिटिंग करनी है और YouTube के लिए करनी है तो उसके लिए मोर देन इनफ है। उसका जो GPU है, 7 कंप्यूट यूनिट है, वो अब भी फुल HD वीडियो एडिटिंग के लिए जितना GPU का परफॉर्मेंस चाहिए ना वो परफेक्ट है। मतलब ये परफेक्ट CPU लॉन्च हुआ है पहली बार, जो वीडियो एडिटिंग जिसको भी करनी है ना उसको कोई भी GPU नहीं लगाना पड़ेगा, फिर भी इसके साथ हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन जिसमें अभी ग्राफिक्स कार्ड अवेलेबल ही नहीं है, तो उसमें तो आपको ये लगाना ही पड़ेंगे, अभी इसको सिस्टम बिल्ड करना है और अभी के लिए थोड़ी बहुत गेम भी वो खेल सके, क्योंकि इसके जो APU में जो GPU मिलता है ना उसका परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा नहीं होता डेडिकेटेड GPU जितना कि अभी के सारे टाइटल आप फुल HD पे हाई सेटिंग पे खेल सको। लेकिन अभी आप सिस्टम बना लो, लोअर सेटिंग पे आप गेम भी खेल पाओगे थोड़े बहुत हल्के फुल्के, और उसके बाद GPU जब प्रॉपर अवेलेबल हो, आपके पास बजट भी अवेलेबल हो, तब आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में भी इसको लगाना सही होगा। अब तीसरी सिचुएशन तो ये अभी की सिचुएशन ही है कि ग्राफिक्स कार्ड अवेलेबल ही नहीं है या आपके पास बजट अवेलेबल नहीं है, तो भी इसको लगाना सही होगा। अब जिसने पूछा था कि सर मैं 11400F लगाऊं या 5600G को लगाऊं, तो मेरे भाई डेफिनेटली मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि 11400F के साथ जाइए, क्योंकि वो 16-17 हज़ार में मिल जाता है अभी, और ये तो 27 में लॉन्च हुआ है, तो अभी अगर 25 भी कंसीडर करें इसकी प्राइस तो भी इसको लेना सही नहीं होगा, क्योंकि आपके पास प्रॉपर GPU अवेलेबल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। 2070 या 2060 सुपर बोला था, तो उस पर्टिकुलर GPU के साथ आप 11400F लगाओगे तो बहुत अच्छा सिस्टम बनेगा, क्योंकि 16-17 हज़ार में मिल जाता है। और अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो इसका राउंड अराउंड है दोनों का परफॉर्मेंस, ठीक है, मतलब 99% 100% दोनों आसपास ही है, तो ये प्राइस वाइज काफ़ी सस्ता है, तो ले लो 11400F। और प्लस उसमें एक बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि PCI Express की जनरेशन 4 मिलेगी, तो आप Gen 4 वाली SSD वैसे मैं रेकमेंड नहीं करूँगा लेकिन लगा सकते हो, और सारी की सारी जो लेंस मिलेगी वो Gen 4 की मिलेगी, तो वो भी एक एडेड बेनिफिट है, ठीक है। तो अब किसी ने मुझसे पूछा था कि 11600K लगाऊं या ये जो 5600G है लगाऊं, तो देखो मेरे भाई, प्राइस टू परफॉर्मेंस वाइज 11600K को मैं विनर यहाँ पर कंसिडर नहीं करूँगा, मुझे 5600G ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उसको ही लेना चाहिए आपको। और उससे तो अच्छा मैं आपको रेकमेंड ये करूँगा कि अगर आप इंटेल साइड ही जाना चाहते हो तो थोड़ा सा वेट कर लो, 12th जनरेशन के CPUs बहुत अच्छे आने वाले हैं, उसको लेना, और वो आ जाने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है, इंटेल साइड जाना है या AMD साइड जाना है, ठीक है। तो आई होप मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दिए होंगे। जिसके पास ऑलरेडी ग्राफिक्स कार्ड था उसको क्या करना चाहिए, जिसको वीडियो एडिटिंग के लिए सिस्टम बनाना है उसको क्या करना चाहिए, और APU अभी किसको लेना चाहिए, आई होप सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे, समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी कोई इश्यू है तो पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।